नमस्ते फ्रेंड्स, आप लोगों का क्रोशेट श्रद्धा चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं एक फ्लावर डिजाइन लेकर के आई हूँ, बहुत ही प्यारा है फ्रेंड्स। इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं, बनाने में बहुत आसान है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जाए। चलिए फ्रेंड्स, तो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक मैजिक रिंग बनाएंगे, इसको लॉक कर देंगे। इसमें टू चेन लेंगे, मैजिक रिंग में डालते हुए एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो चेन को काउंट करते हुए टू डबल क्रोशिया हो गए फ्रेंड्स, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, इसी तरह से इसमें टोटल 16 डबल क्रोशिया बना के दिखाते हैं फ्रेंड्स। इस तरह से टोटल 16 डबल क्रोशिया हो गया फ्रेंड्स, और मैजिक रिंग को खींच देंगे। इसमें पहला वाला चेन में डालते हुए थर्ड चेन में डालते हुए साथ में इस धागे को भी ले लेंगे, स्लिप स्टिच कर देंगे यहाँ पर। फिर यहाँ पर वन टू चेन लेंगे, एक चेन को छोड़ते हुए सेकंड चेन में डालते हुए सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर से यहाँ टू चेन लेंगे, एक चेन को छोड़ते हुए सेकंड चेन में डालते हुए सिंगल क्रोशिया बना देंगे। इस तरह से फिर बनेगा। फिर यहाँ पर वन टू चेन, एक चेन को छोड़ देंगे, इसी तरह से फिर पूरे राउंड को रिपीट करेंगे। इस तरह से देखिए फिर से यहाँ तक बन गया। यहाँ पर भी दो चेन लेकर के ये जहाँ से शुरुआत किए थे इसी में डाल करके स्लिप स्टिच कर देंगे। इसके बाद इसमें डालते हुए एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे, एक चेन ले लेंगे और इसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे। वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव डबल क्रोशिया हो गया फिर, और एक ये वाला हो गया। यहाँ पर वन चेन लेकर के और इसी में सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर नेक्स्ट में भी सिंगल क्रोशिया बना देंगे, वन चेन लेंगे, डबल क्रोशिया बनाना शुरू कर दें, टू हो गया थ्री फोर फाइव, वन चेन और सेम सेम डालते हुए एक सिंगल क्रोशिया। नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, वन चेन और डबल क्रोशिया, वन टू थ्री फोर फाइव, वन चेन सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से फ्रेंड्स पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। इस तरह से राउंड कंप्लीट हो गया। इसके बाद वन चेन लेकर के इसमें सिंगल क्रोशिया बना देंगे, इस तरह से। इसके बाद फ्रेंड्स पीछे साइड से यहाँ पर डालते हुए
आस्ते से खींच लेंगे, वंचन ले लेंगे। यहाँ पर 1 2 3 4 5 चेन लेंगे। 5 चेन लेकर के फ्रेंड्स इसको यहाँ पर डालते हुए सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 चेन लेंगे, यहाँ पर डालते हुए सिंगल क्रोशिया बना देंगे। 1 2 3 4 5 चेन लेंगे, इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना देंगे। इसी तरह से पूरे राउंड में बनाएंगे फ्रेंड्स, करके दिखाते हैं। इस तरह से फ्रेंड्स ये पूरे राउंड कंप्लीट हो गया है। इसके बाद ये 5 चेन ले करके यहाँ पर इसको जहाँ से शुरुआत किए थे स्लिप स्टिच इसको ज्वाइंट कर देंगे। इसके बीच में डालते हुए एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, 1 चेन लेंगे और इसी बीच में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 1 चेन, ऐसे बीच में एक सिंगल क्रोशिया। नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे, 1 चेन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन। 1 चेन लेकर के सेम गैप में डालते हुए सिंगल क्रोशिया। नेक्स्ट में भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 चेन और डबल क्रोशिया। टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, 1 चेन, सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से पूरे राउंड में कंप्लीट करके दिखाते हैं बस। इस तरह से फिर राउंड कंप्लीट हो गया है। इसके बाद 1 चेन लेकर के और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। डालते हुए इसमें बना देंगे। यहाँ पर 1 2 3 4 5 चेन लेंगे, यहाँ पर डालते हुए फ्रेंड्स सिंगल क्रोशिया बना देंगे। 1 2 3 4 5 चेन लेंगे,
करते हुए सिंगल क्रोशिया बना देंगे। 1 2 3 4 5 चेन लेकर के सिंगल क्रोशिया बना देंगे। इसी तरह से यह पूरे राउंड को रिपीट करेंगे फ्रेंड्स। इस तरह से फ्रेंड्स पूरा राउंड कंप्लीट हो गया है। और इसको यहाँ पर ढकते हुए इस तरह से लॉक कर देंगे। 1 चेन लेकर के इसको कट कर देंगे फ्रेंड्स। इस तरह से यह कंप्लीट हो गया। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर एक मोती को लगा देंगे तो और सुंदर लगने लगेगा फ्रेंड्स। इसके बाद यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। इसके बाद इसमें ग्रीन कलर से स्लिप स्टिच इसको ज्वाइंट कर देंगे। 1 2 3 चेन लेंगे, सेम इसी में डबल क्रोशिया बना देंगे। 3 डबल क्रोशिया हो गया फ्रेंड्स। 2 चेन लेंगे और इसी में 3 डबल क्रोशिया और बना देंगे। 2 3 डबल क्रोशिया, यहाँ पर 2 चेन लेंगे और नेक्स्ट गैप में 3 डबल क्रोशिया बना देंगे। इस तरह से फिर से 2 चेन लेंगे, नेक्स्ट गैप में 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर से आप 2 चेन लेंगे और नेक्स्ट गैप में 3 डबल क्रोशिया बना देंगे। 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया। इस तरह से यह स्क्वायर बनेगा फ्रेंड्स। आप 2 चेन लेकर के नेक्स्ट गैप 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 चेन लेकर के 2 यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे।
इस तरह से फ्रेंड्स यह एक स्क्वायर डिजाइन बन गया। यहाँ से स्लिप स्टिच करते हुए यहाँ पर लेंगे 1, 2, 3 चेन लेंगे, थ्री डबल क्रोशिया हो गया, चेन को काउंट करते हुए 2 चेन, टू थ्री डबल क्रोशिया, 2 चेन लेकर के अब इस गैप में फ्रेंड्स बनाएंगे। इसी तरह से बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। इसमें 3 डबल क्रोशिया हो गया फ्रेंड्स, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन लेकर के इसमें डबल क्रोशिया बना देंगे। इसी तरह से फ्रेंड्स पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर 2 चेन लेकर के और पहला वाला चेन से यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे। स्लिप स्टिच करते हुए इसको 1, 2, 3 चेन ले लेंगे, 3 हो गया फ्रेंड्स, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन लेकर के इस गैप में टू चेन नेक्स्ट गैप में, थ्री डबल क्रोशिया, 2 चेन लेकर के टू चेन डबल क्रोशिया, 2 चेन लेकर के थ्री। इसी तरह से फिर पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे, करके दिखाते हैं। इस तरह से फिर से राउंड कंप्लीट हो गया। यहाँ पर 2 चेन लेकर के और यहाँ ज्वाइंट कर देंगे, स्लिप से मंजिल लेकर के इसको कट कर देंगे। फ्रेंड्स अगर यह स्क्वायर डिजाइन पसंद आया होगा तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा स्क्वायर डिजाइन आपको कैसा लगा। थैंक यू।